एक लौकी ली है जिसको मैंने धुल करके काट के रख लिया है। मैंने चार बड़े टमाटर लिए हैं, थोड़ी सी काली मिर्च ली है जिसको मैं टेस्ट के अनुसार डालूंगी। हरे धनियों को मैंने धुल के काट के रख लिया है। थोड़ी सी अदरक ली है। अदरक बहुत सारे लोग व्रत में नहीं खाते हैं, अगर आप ना चाहें तो अदरक को आप ना भी डालें। नमक, सेंधा नमक लिया है जो कि व्रत में खाया जाता है, और जीरा लिया है। आइए अब हम फलाहारी लौकी की सब्जी बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। घी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें जीरा डाल दे रही हूँ। जीरा जब अच्छे से चटक जाएगा तब इसमें मैं थोड़ी सी अदरक डाल दूंगी। और अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च डालूंगी। इसमें टमाटर जो है वो मैंने बहुत छोटे नहीं किए हैं। लौकी टमाटर की सब्जी में टमाटर जो हैं थोड़े बड़े रहते हैं तो सब्जी में टेस्ट कुछ अलग ही आता है, और फलाहारी सब्जी में इस तरह के टमाटर से फ्लेवर कुछ ज़्यादा निकल के आता है। टमाटर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत हल्का सा टमाटर जो है दबने लग जाए तो उसमें हम जो है लौकी डाल देंगे। लौकी और टमाटर को मिला करके अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दे रही हूँ, ये आपको अपने टेस्ट के अनुसार डालनी है। और नमक डाल दे रही हूँ, नमक भी आपको अपने टेस्ट के अनुसार डालना है। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे क्योंकि ये लहसुनदार सब्जी बना रहे हैं हम। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। दो तीन सीटी आने के बाद हम कुकर को बंद कर देंगे। सब्जी बनके तैयार है, इसको हमने हरे धनिये से गार्निश किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।